जो भी हमारे सरकारी भवन है या कुछ प्राइवेट भवन है उस पे हम पेंटिंग करेंगे। और उसमें एक कुछ दिनों पहले हमने एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें कुछ पदाधिकारी थे, कुछ कलाकार लोगों को भी आमंत्रित किया था, बहुत सारे लोग आए, अच्छे सुझाव दिए। तो उसके तहत जो है हमने कुछ मानक इसके बनाए हैं। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि ये एक कार्य स्वेच्छा का कार्य है। ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या इस तरीके का ऐसा काम नहीं है कि जिससे आपको रोजगार देना है। एक इंसेंटिव हम देते हैं, प्रोत्साहन राशि जिसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो ये नहीं समझना है कि ये मेरा राइट है, क्योंकि कार्य करने से पहले एक हम घोषणा पत्र आप सभी लोगों से लेंगे। हमारे जो अलग अलग जैसे सर्किट हाउस में मैंने रामायणा थीम पे पेंटिंग किए थे, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग थीम पे पेंटिंग होंगे। जैसे कलेक्ट्रेट हमारा है तो इसमें सामाजिक थीम जो रहेगा उस पे हम कार्य करेंगे। सरकार की विभिन्न योजनाएं, भारत सरकार राज्य सरकार की जो भी योजनाएं रहेगी उसके ऊपर जो है हम यहाँ पे पेंटिंग करेंगे। जैसे कि आपके साथ इन्होंने चर्चा किया ही होगा, वृद्धावस्था पेंशन, मतलब एक गरीब व्यक्ति वो विकलांग हो सकता है, विधवा महिला हो सकती है, उसके लिए पेंशन कितना महत्वपूर्ण है। तो उस पे दृश्य दर्शाते हुए एक चित्रकला एक जगह पे पेंटिंग हमारा हो सकता है। प्रोग्राम है मनरेगा के तहत जिसमें पेड़ लगाते हैं और पेड़ से सब जगह हरियाली, जैसे मिथिला आपके बचपन में आपने देखा होगा कितना हरा भरा रहता था, आपको बहुत सारे पेड़ कट गए। इंदिरा आवास हो गया, जन शिकायत लोक शिकायत निवारण अधिनियम हो गया, बहुत सारे हमारे सरकार के कार्यक्रम है उसी थीम पे। सात निश्चय हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, सीडीपीओ लोक आईसीडीएस स्कीम हमारा हो गया, इनका नया आने वाला न्यूट्रिशन मिशन जो है, पोषक मिशन जो है वो हो गया। तो इस तरीके की योजनाओं पे हम यहाँ पे बनाएंगे। एक तो इमीडिएटली हम कल से इसकी शुरुआत करेंगे और जहाँ जहाँ जिस स्पेस पे जो है हमको जगह मिलेगी वहाँ पे हम बताएंगे और वहाँ पे काम शुरू करेंगे। कुछ दीवारों पे थोड़ा सा हमको टचअप करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है भुगतान का जो है हम आपको बता रहे हैं, ये इंसेंटिव है, प्रोत्साहन राशि है। जब वहाँ पे जैसे हमने किया था बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसे चले गए हैं, 90% लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, 10% जो बचे हुए इंडिविजुअल किसी खाता नहीं।